तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्माधशयतोन्वयादि तरतश्चार्थी सोभिज्ञः स्वरा हृदय आदि कवये मुयन्ति यत् सूर्यः सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवर वपुः करणयो करणिकारं विप्रदवाशः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वैडोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः कुञ्ज विहारिणे नमः कुञ्ज विहारिणे स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज गुरु नाम गुरुवे नमः। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय जाओ तन की झाई परे तो श्याम हरित दूती हो।
के लाडले भक्तन के प्रतिपाल मेरे मन मंदिर विरहो सदा बिहारी लाल प्यारी झांकी श्याम की बसी हृदय के बीच मैं तो जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आँखें मीच भगवान के जन्म के समय कालम परम शोभनम काल भी सुंदर शोभायमान हो गया। मंद सुगंध हवाएं चलने लगी, नदियों में जल के स्थान पर अमृत की धाराएं बहने लगी और भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, कृष्ण पक्ष आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार का दिन आ गया और तभी उस कंस के कारागार में एक अलौकिक तेज उत्पन्न हुआ। चतुर्भुज रूप से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान तमद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम। अद्भुत बालक, क्या कहा? अद्भुत बालक। क्यों? अद्भुत तो थे ही, बच्चों के चार हाथ पैर थोड़े ही होते लेकिन इनके चार हाथ हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो नेत्र बंद किए होता है लेकिन ये अंबुज क्षणम कमल जैसे नेत्र वाले। और जब बच्चा होता है तब वो रोता है परंतु इनके मुख पर सुंदर मुस्कान है। चतुर्भुज रूप को देखकर देव की वसुदेव हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप प्रकृति से परे हैं, मैं आपको जान गया। वसुदेव भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तभी देव की माँ को भय लगा और इशारा किया कहीं मेरा भैया ना आ जाए। तब प्रभु ने संकेत किया कि माता अभी आप ये चिंता मत करो, जब मैं शिशु रूप में आ जाऊं तब आप मेरी रक्षा करना। आप क्या कहना चाहती हो आप भी कहो। देव की माँ ने भी स्तुति की है, कहती हैं कि ये संसार चक्र में सभी जीव इस मृत्यु रोगी मृत्यु नामक रोग से व्याप्त है। अब रोग को कौन दूर करता है? बोले धन्वंतरी भगवान। और धन्वंतरी भगवान कौन है? भगवान के चरण। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है उसके सारे रोगों का नाश हो जाता है। सो मम उर्वासी सब गटवासी। देव की माँ भी यही कहती हैं कि आप समस्त जगत को अपने पेट में रख के सोते हो, आप में सारा जगत सारा ब्रह्मांड निवास करता है, प्रभु आप मेरे उदर में कैसे आ? मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, माता इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, मैंने आपको 3 जन्म तक आपका पुत्र होने का वरदान दिया था। आपने कई वर्षों तक तपस्या की, वामन भगवान के रूप में, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में आप दशरथ और कौशल्या हुए थे, तब मैं राम रूप में आया था, आज आप देवकी और वसुदेव हैं,
मैं श्री कृष्ण के रूप में आया हूँ। आपने कई वर्षों तक तपस्या की, उसका आपको ये फल प्राप्त हुआ है। इसमें आपको कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। भगवान कहते हैं, पिताश्री जब मैं बालक रूप में आ जाऊं तो आप मुझे नंदगांव छोड़ाना, नंद बाबा के यहाँ, और वहाँ जो पुत्री उत्पन्न हुई है उसे ले आना। वसुदेव जी ने वैसा ही किया। भगवान छोटे से शिशु के रूप में देव की माँ की गोद में आ गए, परंतु रोए गाए बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले रोए, पिछले जन्म रोए थे ना, राम जन्म के समय तो दास दासियां बदाइयां लेकर दौड़े थे, और अभी रोएंगे ना तो मामा जी के सैनिक डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे। बिल्कुल चुप है भगवान। अब जब भगवान का जन्म हुआ तब तीन ही व्यक्ति जग रहे थे। कौन कौन जग रहा था? वसुदेव, देवकी और चंद्रमा। कल समय के अभाव के कारण मैं आपको बोल नहीं पाई। जब राम जन्म हुआ था तो सूर्य देव आगे बढ़े ही नहीं थे। पता नहीं कितने वर्षों तक सूर्य देव निकले रहे, क्योंकि उन्हें अपने भगवान का दर्शन करना था। तब भगवान से चंद्रमा बहुत दुखी थे। बोले प्रभु, न सूर्य देव जाएंगे ना मैं दर्शन कर पाऊंगा। तब भगवान ने आश्वासन दिया था कि कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें सबसे पहले दर्शन दूंगा। इसलिए जन्म के समय देवकी, वसुदेव और चंद्रमा जगे हुए थे। अब जागने का अर्थ क्या है? आप लोगों में से कौन जाग रहा है अभी मुझे बताओ, हाथ खड़ा करके। कौन कौन जाग रहा है? बाकी सब सो रहे हैं। मैं ऐसे ही कथा बोल रही हूँ, सब सोए पड़े। एक बार फिर से बताओ, कौन कौन जाग रहा है? सब जाग रहा। अब जागने का अर्थ समझ लो। जाने तब ही जीव जग जा, सारे विषयों से जब हम छूट जाएंगे और एकमात्र परमात्मा में हमारा ध्यान लग जाएगा, उस दिन समझ लेना कि हम जग गए। इसको कहते हैं जागना। और इतने दिव्य पुरुष हमारी कथा में आए हुए हैं, हमें तो पता भी नहीं था, सब जगे हुए हैं। धन्य है, ये है जागने का अर्थ। तो भगवान का जन्म हुआ और वसुदेव जी ने, जैसा कि भगवान ने कहा था, उनकी आज्ञा पाकर भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर धारण किया। और जैसे ही भगवान को अपने सिर पर धारण किया तो सारे द्वारपाल सो गए, वो तो सोए और बिल्कुल ही मूर्छित समझ लीजिए हो गए। सारी बेड़ियां खुल गईं, सारे दरवाजे खुल गए, कोई बंधन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार होता है तो हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं। जब भगवान को ही सिर पर धारण कर लिया तो फिर बंधन कैसा?
कोई बंधन रह सकता है? और जब माया रूपी कन्या को लेकर आएंगे तो बंधन फिर से आ जाएंगे। तो जैसे ही भगवान को धारण किया सारे बंधन खुल गए और जाने लगे। अब जब भगवान चले तो मेघ बड़े खुश हुए, भगवान आप भी सांवले हम भी सांवले, परंतु हम आपको क्या अर्पित करें। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है, पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे अर्पण कर सको करो, आप पे जो हो करो। तो मेघ अपना जल बरसाने लगे आज भगवान के ऊपर। परंतु जब शेषनाग ने देखा कि हमारे भगवान छोटे से और मेघ बरस रहे हैं, तो ऊपर से उन्होंने फन का छत्र लगा। वसुदेव जी आगे